आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। पीएम मोदी का ये संदेश हर उस भारतीय के कान में गूंज गया है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि अब समय ऐसा है कि किसी भी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि आत्मनिर्भर बनना है, फिर वो चाहे आपका देश हो या फिर आप खुद ही क्यों ना हो, आपको निर्भरता खत्म करनी होगी। इसलिए पीएम मोदी के इस संदेश को ध्यान में रखते हुए लोग अब मेक इन इंडिया के तहत नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं और खुद कुछ नया और इनोवेटिव बनाकर तैयार कर रहे हैं। भारत के कुछ छात्रों ने ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है जो सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जूम को चुनौती दे रहा है। वही जूम जिसका उपयोग कर बच्चे घरों में कैद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले इसी ऐप के जरिए अपने ऑफिस से संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन अब इस जूम ऐप को टक्कर देने के लिए भारत के छात्रों ने रेका कंपनी के अंडर काम करते हुए हिंद ऐप बनाकर तैयार कर ली है। हिंद का मतलब हिंदुस्तान। हिंद जो कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, हिंद के पीछे हमारा मकसद था कि हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो हमारे देश को ज़रूरत थी, मेड इन इंडिया, क्योंकि बाकी सब ऐप पता ही है, जूम है और सब बहुत सारे ऐप हैं जो बहुत अच्छे हैं, हम मेड इन इंडिया एक ऐप को लाना चाहते थे जो कि अब हमारे पास कॉम्पिटिशन में और भी आए हैं। हिंद भी हमारा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आप वेब पे, आपका ऐप पे और आपका प्ले एप्पल स्टोर पे, तीनों पे अवेलेबल है। उस सर हमारे हिंद के नाम रखने के पीछे हमारा मकसद था ना, हिंद से हिंदुस्तान, ये सारे हिंदुस्तान का ऐप होगा, कोई भी कभी भी इसको ज्वाइन कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कहीं हिडन चार्ज नहीं रखें, ये वाला पैकेज आप लीजिए, ये वाला पैकेज ले, नहीं, आप पढ़ सकते हो वेब पे। जैसा कि हमारे आकाश जी ने आपको बताया होगा कि हमारे पास वेब बाकी सब फीचर्स है, हमारे पास कुछ फीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। हिंद ऐप के लिए दावा किया जा रहा है कि ये चीनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम की तुलना में पूरी तरह सुरक्षित है। रेका कंपनी का दावा है कि उनके एप्लीकेशन हिंद से एक बार में 256 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कंपनी ने इस वीडियो प्लेटफॉर्म में कई नई विशेषताएं जोड़ी हैं, जैसे स्क्रीन शेयरिंग, विंडो शेयरिंग और टैब शेयरिंग। बाकी अन्य ऐप्स की तुलना में ये हिंद ऐप पूरी तरह से निशुल्क है। अभी कुछ दिन पहले ही लोगों ने जूम को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस ऐप के जरिए डेटा चोरी होने का डर बैठ गया था। लेकिन इस ऐप को कंपनी ने पूरी एहतियात के साथ विकसित किया है। इसमें यूजर के निजी डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखने का दावा किया जा रहा है। इस ऐप की खासियतों के बारे में बात करें तो इस ऐप में असीमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय है। एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने पर कम से कम 256 प्रतिभागी एक साथ शामिल हो सकते हैं। इस ऐप के साथ आप अपने बैकग्राउंड को धुंधला कर सकते हैं ब्लर माय बैकग्राउंड फीचर से। सुविधा के अनुसार प्रतिभागियों को म्यूट कर सकते हैं। हिंद ऐप में एक और फीचर है एवरीवन स्टार्ट्स हिडन। इसका इस्तेमाल कर चैट रूम में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी अन्य प्रतिभागियों के लिए छिपे रहेंगे। आप उस फंक्शन को इनेबल कर सकते हैं एवरीवन फॉलोज मी। इस सुविधा में जो कोई भी चैट में शामिल होता है वो स्वचालित रूप से होस्ट का अनुसरण शुरू कर देगा। इस ऐप में तीन अलग अलग प्रकार के स्क्रीन शेयरिंग फीचर हैं: संपूर्ण स्क्रीन, अनुप्रयोग, विंडो, विशिष्ट ब्राउजर, टैब। ऐप के चैट बॉक्स में आपको कई तरह की इमोजीज मिलती है। अगर इंटरनेट की स्पीड कम है तब भी इस ऐप के जरिए आसानी से बात की जा सकती है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो कि बिल्कुल फ्री है। हिंद की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और प्लस आप उसकी वीडियो क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा पैक भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा। हिंद में हम किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं ले रहे, उसमें बस स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आप अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। वो बस इसलिए ताकि उस स्पेसिफिक सेशन के लिए आपको पहचाना जा सके कि आप कौन हैं और किस नाम से उस मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है हिंद में, और हिंद बिल्कुल फ्री है। हिंद ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है और जल्दी ही वो है। हाँ।
एप्पल वॉच और एंड्रॉयड वॉच दोनों पे भी आ जाएगा। हम बस इतना चाहते हैं कि आप इसे यूज़ करें और हमें इसे सपोर्ट करें। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में शो हो रहे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर ये ऐप आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, खासकर कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, बातचीत को बढ़ाने के लिए जूम, गूगल मीट, गूगल डुओस जैसे ऐप्स को बनाया जा रहा है और अब तो हिंदुस्तान के हिंद ऐप ने भी मार्केट में दस्तक दे दी है। तो इस ऐप को इस्तेमाल कर लॉकडाउन में बंद अगर आप किसी से वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, किसी से मीटिंग करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं।